हेलो, कैसे हो आप सारे। और आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है कि वो सप्लीमेंट्स जो कि हम वर्कआउट से पहले लें ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस हो। ठीक है, उन सप्लीमेंट्स के बारे में बोलने से पहले, बताने से पहले मैं आपको सीधा सीधा एक साइंस बताता हूँ कि वेट लॉस का साइंस क्या है। और वेट लॉस से मेरा मतलब है यहाँ पर फैट लॉस। अगर आपको फैट लॉस और वेट लॉस में अंदर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करें, उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और ये पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फैट है, फैट लॉस और वेट लॉस में अंतर क्या है। ज़्यादातर लोगों को अभी डिफरेंस ही नहीं पता। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फैट लॉस का साइंस ये होता है कि आपकी बॉडी जब अपने स्टोर फैट को, जो भी आपकी बॉडी ने फैट को स्टोर किया हुआ है, आपके टमी पे, आपके चेस्ट पे, आपके फेस पे, गले पे, कमर पे, थाइस पे, जहाँ से आप मोटे दिखाई देते हैं ज़्यादा, तो उस फैट को यूज़ कर रहे हैं आपकी बॉडी एज अ फ्यूल सोर्स, मतलब ताकत के लिए, एनर्जी के लिए उस को यूज़ करें। और जब वो बॉडी ऐसा करने लगेगी तो आपका फैट लूज़ होगा, क्योंकि वो फैट तो एनर्जी में यूज़ होगा तो वो लूज़ होगा और आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी। ये फैट का, बिल्कुल फैट लॉस का एक सिंपल साइंस है जो कि एक्चुअली सबको पता होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आपका फैट सीधा आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। जो लोग बोलते हैं कि नींबू पी लो, गर्म पानी पी लो, वो सिर्फ हेल्प करता है इस प्रोसेस में, ना कि आपके फ़ैट को निकाल कर बाहर कर देता है। ऐसा सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सर्जरी। सर्जरी से ही आपके फ़ैट को निकाल कर बाहर किया जा सकता है और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपने बहुत कम सर्जरी ही सक्सेसफुल देखी होंगी, आपने ज़्यादातर फैट लोगों को मेहनत करके ही पतला होते हुए देखा होगा। ठीक है, अब सीधा आते हैं सप्लीमेंट्स। तो सबसे पहला सप्लीमेंट हमारे पास है फैट बर्नर। अब ये MB का फैट बर्नर है मेरे पास, आप कोई भी फैट बर्नर ले सकते हैं। फैट बर्नर मैंने क्यों बोला, क्योंकि फैट बर्नर एक कंप्लीट रेसिपी है जिसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट आपको मिल जाते हैं जो कि आप अलग अलग से या कम कम लेवल में लेते हैं, जिससे कि आपका फैट लॉस होता है। सबसे मेन है उसके अंदर ग्रीन टी। अब आप ग्रीन टी लेंगे, फिर ग्रीन टी को प्रिपेयर करेंगे और फिर पियेंगे और फिर वर्कआउट के लिए जाएंगे। अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो बेस्ट है। सेकेंड, यूहेम्बिन बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है आजकल, तो वो भी एक एक्सट्रैक्ट है, जड़ी बूटियों से आता है, ये समझ लो कि नेचुरल सोर्स से निकाला जाता है और वो सीधा सीधा फैट लॉस में काम करता है। थर्ड मेन, कैफीन, वो भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ये तीन चार चीज़ें जो कि अलग से लेते हैं आप अलग अलग करके, तो वो आपको सीधा मिलती है। अब वो लोग जो कि फैट बर्नर नहीं लेते, क्योंकि फैट बर्नर के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो मैं वो साइड इफ़ेक्ट पर एक अलग वीडियो बना दूँगा। तो आप ले सकते हैं इसकी जगह पर कॉफ़ी, जिसके अंदर से आपको सीधा सीधा कैफीन मिल जाएगा। तो कॉफ़ी इन प्री वर्कआउट बेस्ट है फैट लॉस करने के लिए। और सीधी सी बात, वो आपके फैट को बाहर नहीं निकालेगी। वो ये सारी चीज़ें करती क्या हैं, ये चीज़ें आपके हार्ट रेट को बढ़ा देंगी, आपके BP को बढ़ा देंगी। जब आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप ज़्यादा वर्कआउट कर पाएंगे और आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होने की वजह से, ठीक है, आप बहुत जल्दी एनर्जी को यूज़ करेंगे। जो आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, जो आपने प्री वर्कआउट में खाना खाया हुआ है या ग्लूकोज है, उस सबको जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी बर्न करेगी और देन फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी अब अपने स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ कर चुकी है। तो वो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो है आपका स्टोर्ड, जो आपने एनर्जी स्टोर की हुई है फैट, तो फैट को वो निकालेगी, स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी एनर्जी से और आपका फैट लॉस होगा। थर्ड, वही ग्रीन टी, अगर आप ग्रीन टी ले सकते हैं तो बेस्ट है। ये बहुत चीप हैं, इनसे भी महंगे महंगे सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत हज़ारों के सप्लीमेंट्स आते हैं प्री वर्कआउट, ये तो फिर भी बहुत सस्ता सप्लीमेंट है अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ तो। पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी उस तरीके से हैं और वो एडवांस लेवल एथलीट्स के लिए बने हुए हैं, ये नॉर्मल वेट लॉस के लिए है, फैट लॉस में कहूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप ले सकते हैं तो ग्रीन टी भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो कॉफ़ी सबसे सस्ता ऑप्शन है, आप वो लें और प्री वर्कआउट के टाइम पे उसको पीकर कॉफ़ी को पानी में, ब्लैक कॉफ़ी बना लें, मिल्क में नहीं, मिल्क में रिकमेंड नहीं करेंगे हम, उसको ले और वर्कआउट पे जाएं, आपको असर अपने आप दिखाई दे जाएगा। और बाकी एंड में अगर आप वो कुछ भी नहीं ले सकते, आप पे इतना टाइम ही नहीं है कि आप ब्लैक कॉफ़ी प्रिपेयर कर सको, तो सीधा आप ये फैट बर्नर ले सकते हैं, इसका कैप्सूल लें, सीधा मुँह में डालें और पानी पी लें। इससे आसान क्या हो सकता है, अब इससे भी ईजी तरीका तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यही मेरी वीडियो में था आज, जिसके अंदर मैंने बताया वो सप्लीमेंट जो कि आप प्री वर्कआउट में ले सकते हैं। हाँ, एक सप्लीमेंट, ये रामदेव की जड़ी बूटी है, ये दिव्या कायाकल्प बटी,
वैसे इसका काम है आपके चेहरे को साफ करना, पर मैं सच बता रहा हूँ इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो सीधा सीधा आपको बिल्कुल वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको एक ये आपके एमबी के अंदर मिल रहे हैं, मसल ब्लेज के, ये फैट बर्नर के अंदर मिल रहे हैं। इसके अंदर तो बहुत हाई लेवल पे हैं, तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है, लेकिन वो तो टोटल नेचुरल है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, और वो सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू ये, वो 150 रुपये का आता है, बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा कर देगा, ठीक है। लेके देखें, सबके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, मेरे क्लाइंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, आप लेकर देखें, हो सकता है कि आपको भी फ़ायदा हो, नुकसान नहीं होगा ये पक्का है, फ़ायदा ना हो तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो यही मेरे पास था, यही नॉलेज है हमारे पास, और मैंने अभी तक यही देखा है, और ये सारी चीज़ें करके भी देखी हुई हैं मेरे क्लाइंट्स ने, मैंने अपने ऊपर खुद। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसी और वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।